हेलो, आज हम बचे हुए कपड़े से नवरात्रि स्पेशल ये है। अगर ये नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया। बचे हुए कपड़े से हम आज गुड़िया बनाएंगे, जो हम लटकन में लगा सकते हैं, जो हम उनसे दिवाली के लिए तोरण भी बना सकते हैं, ट्रेडिशनल बना सकते हैं, इससे हम ट्रेडिशनल कुछ भी बना सकते हैं। ये हम गुड़िया बनाएंगे, जो हम ढिंगली बोलते हैं। और अगर आप 20 कमेंट्स करोगे कि मुझे ये इसका गुड्डा भी चाहिए, मीन्स के ढिंगला भी चाहिए, तो मैं उसका वीडियो भी दूंगी। लेकिन अब आपको 20 बार बोलना पड़ेगा, कमेंट्स करना पड़ेगा। अलग अलग जन कमेंट्स करोगे कि हमें गुड़े का भी वीडियो चाहिए, तो ही मैं बनाऊंगी। वरना मैं मेहनत करती हूँ और आप लोग कुछ देखते ही नहीं, कमेंट भी नहीं करते, क्या करूँ मैं। अभी हम ये एक रेड कलर का कपड़ा लिया है। आप कपड़ा कोई भी ले सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन आपके अकॉर्डिंग है। मैंने उसको दो और फोल्ड किया है, सिर्फ दो साइड ही हमें फोल्ड करना है। और उसके नीचे मैं गुटापट्टी लेस लगा दूंगी। और इस गुड़िया के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, एक गुटापट्टी लेस और कपड़ा जो बचा हुआ है हमारा होता है वो कपड़ा। और ऊन भी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी भी चाहिए। अगर ऊन नहीं है तो आप उसके बदले कपड़ा भी लगा सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे की ओर हमें गुटापट्टी लेस लगा देनी है। हम ये सब कुछ हाथ के ही मदद से करेंगे। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। ग्लू गन नहीं यूज़ करेंगे, गम या नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ हाथ से ही करेंगे ताकि सबको आ जाए। किसी के पास सिलाई मशीन नहीं है, किसी का के पास ग्लू गन नहीं है, किसी के पास ये नहीं है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हाथ से ही हमें करना है। अभी एक येलो कलर का कपड़ा लेंगे हम, इसकी चनिया चोली बनाएंगे। तो उसका कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो इसका मैं चारों ओर फोल्ड कर दूंगी ऐसे, और यहाँ पर भी मैं हाथ से ही सिलाई करूँगी, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वेस्ट में से बेस्ट चीज़ें बनाने का शौक़ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं वेस्ट में से बेस्ट चीज़ें ही बनाती हूँ, जो हमारे घर पर पड़ी होती है, और सस्ते में ही बनाती हूँ। कुछ भी खर्च नहीं होता मेरी वीडियो में। तो ऐसे करके हमें चारों ओर गुटापट्टी लेस लगा देनी है। ये भी हम हाथ से ही लगाएंगे। आप यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर सकते हो, फैब्रिक गम का यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो हाथ से भी कर सकते हो, स्टिचिंग भी कर सकते हो सिलाई मशीन से भी, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी प्लीज़ कर दीजिएगा ना। आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी हमने ये लेस लगा दी है चारों ओर, और अभी हम गोटा पट्टी ही लेंगे और उसके छोटे छोटे पीस बनाएंगे। और उसको जो ये येलो कलर की है उसको हमने चुनरी बनाया है, तो उसके ऊपर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम लगा देंगे। आप सुई धागे की हेल्प से भी लगा सकते हो, मोती भी लगा सकते हो, स्टोन भी चिपका सकते हो, कुछ भी डेकोरेट कर सकते हो। अगर कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए मैंने किया है। अभी हम ये इसको वन बाय वन करके उसके ऊपर लगा देंगे। और फ्रेंड्स, आगे का प्रोसेस भी एकदम सिंपल है। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी मैंने ये क्रीम कलर का कपड़ा लिया है। ये आपको क्रीम वाइट या ऑफ वाइट ऐसे सिमिलर स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर लेना है। इससे हम मुंह और हाथ बनाएंगे, ठीक है। अभी मैंने ये 5.5 इंच by 4 इंच का कपड़ा कट किया है। और अभी इसके अंदर हम फिल करने के लिए वही कपड़ा लिया है, कोई भी कपड़ा ले सकते हो, उसको छोटे छोटे पीस बना दिए हैं मैंने। और उसको उसके अंदर फिल करके मुँह का शेप दे दिया है राउंड करके, और नीचे हम सुई धागे की हेल्प से उसको स्टिच कर देंगे, फिट कर देंगे, ठीक है।
अभी हम ऐसे ही मोती दूसरे कान में भी लगा देंगे और टीके की तरह भी लगा देंगे। तो हम इसकी ज्वेलरी, आप गले में माला भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। और फिर हम क्या करेंगे, उसका हाथ, मुंह और बाल बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बना दिया है, सॉरी उसका वीडियो मेरे से गलती से डिलीट हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही बता रही हूँ मैंने कैसे किया है ये। पहले आप देख लो गुड़िया कैसी बनी है। इसको आप हैंग भी कर सकते हो, इसके आप टोडलिया भी बना सकते हो, डोर हैंगिंग भी बना सकते हो। देखिए ये बाल है, मैंने ब्लू पेन से बनाया है, आप ब्लैक पेन से भी बना सकते हो। मेरे पास ब्लैक नहीं थी, मैंने ब्लू का यूज़ किया। आईब्रो और आईज और बाल ये सब मैंने ब्लू पेन से बनाया, और उसकी बिंदी और लिप्स है वो मैंने रेड कलर की पेन से बनाया है। आप भी ऐसे बना सकते हो, एकदम ईजी है। अगर कहीं पर भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिपीट वीडियो ज़रूर बना के दूंगी। और अगर आपको इसका गुड्डा चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो ही मैं गुड्डा बनाऊंगी, वरना मैं नहीं बनाऊंगी। 20 कमेंट्स चाहिए मुझे कि आप गुड्डा बना के दो, तभी मैं बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो ये आप ऐसे हैंगिंग की तरह भी लगा सकते हो, चनिया चोली में भी लगा सकते हो, ब्लाउज़ के डोरी में भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।